तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और मैं हूं अभी पर सिलीगुड़ी। कल की वीडियो से अब तक मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत अपडेट कर देता हूं गाइस। इससे पहले मैं दार्जिलिंग में था, आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा था, लेकिन अभी मैं हूं सिलीगुड़ी और अब सिलीगुड़ी से मैं जा रहा हूं असम के लिए। बता दूं कि जब मैं दार्जिलिंग में था, दार्जिलिंग में बहुत ही ज़्यादा बैकपैकर्स के लिए वहाँ पर नहीं है दार्जिलिंग, तो इसलिए आप लोगों को वहाँ पर रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था कि भाई यहाँ पर बैकपैकर्स जो हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो टूरिस्ट एरिया बहुत चीज़ महंगी है। तो मैं वहाँ सिलीगुड़ी दार्जिलिंग पूरा घूम के सिलीगुड़ी आ गया था 2 दिन पहले। फिर 2 दिन मैंने होटल में रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गया था, पहाड़ी इलाके में चलते चलते बहुत ही ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं सिलीगुड़ी आके 2 दिन रेस्ट किया। उसके बाद अब 2 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद अब जा रहा हूँ डायरेक्ट मैं असम के लिए और निकल भी चुका हूँ अपने होटल से, और मैं 3 से 4 किलोमीटर पैदल आ भी गया हूँ, क्योंकि मैंने सोचा चलो कहीं अच्छी जगह देख के फिर आप लोगों को अपडेट करते हैं। तो ये वाला यही जाएगा हमको असम की तरफ। तो ठीक है गैस, अब हम यहीं से लिफ्ट मांगने की कोशिश करेंगे और हमारी मंजिल है अभी 600 किलोमीटर। तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, 2 दिन में भी मुश्किल है। अगर डायरेक्ट लिफ्ट मिल जाती असम के लिए, तो असम ही जा रहे हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, तो अगर डायरेक्ट लिफ्ट मिल जाएगी तो ठीक है, एक दिन में भी पहुँच जाएँगे। 400 किलोमीटर है गुवाहाटी असम, 600 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का आरक फरक है। मतलब वो गुवाहाटी भी असम में ही पड़ता है, असम का राजधानी है, इसलिए हमने सोचा है 4 किलोमीटर आके यहाँ हाईवे पर आ गए हैं सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन से। अब यहीं से हमको हिचहाइकिंग का लिफ्ट मिलेगा। अब देखते हैं यहीं कि लिफ्ट मिलता है, देर से मिलता है कि जल्दी मिलता है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन इधर से जाना पड़ेगा, टीन बट्टी, ये जहाँ पर हम हैं यह है टीन बट्टी। लेकिन अभी भी हम ना सिटी से प्रॉपर बाहर नहीं आ चुके हैं, इसलिए मुझे लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 90% तो हम सिटी से बाहर आ ही चुके हैं, 10% और सिटी से बाहर जाएंगे। तो चलते चलाते एक लिफ्ट लेकर मैं आ गया हूँ अपने हाईवे पे। एक बुरी बात यह है कि यहाँ पे डबल हाईवे नहीं है, 4 लेन हाईवे नहीं है, 4 लेन पर ज़्यादा ट्रक चलती है। देखो सभी पूरा ट्रक खड़ा है, इधर भी देखो सामने जो दिख रहा है ना, वो पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, पूरा ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट मतलब जहाँ ट्रक व्रक रहते हैं वो चीज़ है। ये इधर देखो, और यही रोड जाएगी असम की तरफ, और हमको जाना है गुवाहाटी, असम, असम की राजधानी गुवाहाटी। अब यहाँ पे चलो लिफ्ट मांगते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं यार। धूप उतना लग नहीं रहा, लेकिन घमस लग रहा है, घमस की वजह से पसीने थोड़े थोड़े आ रहे हैं यार। भैया लिफ्ट, भैया लिफ्ट, चलो यार अपना भाई काम बनता जाएगा। नहीं देते यार, कभी कभी लोगों को मालूम चलता है कि ये बंदा सोशल मीडिया वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला तो नहीं है, इसलिए भी नहीं रोकते हैं। और कोई कोई होता है जो यार रोक देते हैं, बंदा समझ जाते हैं ये ब्लॉगर है इसलिए परेशान है, लिफ्ट मांग रहे थे इसलिए। तो अपने अपने सोच पर निर्भर है, जो जैसा समझ लेता है वैसे लिफ्ट मिल जाते हैं। तो लो भाई पूरे 1 भी बच चुके हैं। सिलीगुड़ी से मैं तय किया हूँ तो सिर्फ 10 किलोमीटर हुए हैं, अभी मैं मैप में देखा तो सिर्फ 10 किलोमीटर हुए हैं सिलीगुड़ी से, और 1 बज चुके हैं, और मैं निकला था 10 बजे, तो 10, 11, 12, 1 3 घंटे में मैंने 10 किलोमीटर कवर किए। आगे तक छोड़ दोगे? कहाँ तक जाओगे सर? हम जाएंगे आशीमारा। मुझे तो गुवाहाटी तरफ जाना है, तो कितने किलोमीटर तक मिल जाएंगे लिफ्ट? बहुत जाएंगे तो आप? हाँ लंबा लिफ्ट है, लंबा लिफ्ट है। चलो शुक्रिया, मुझे तो उम्मीद था कि आज लिफ्ट मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ इसलिए तो हम देखा, आपने समझ गए होंगे ना। आप समझ गया, सुबह से लिफ्ट मांग रहा हूँ लेकिन कोई रोक नहीं रहा है। जब मैं उड़ीसा में था तो वेस्ट बंगाल आ रहा था, फिर भी लिफ्ट नहीं मिल रहा था, फिर यहाँ पे भी। वेस्ट बंगाल में लिफ्ट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, है ना? ना मैं और भी यूट्यूबर को देखा था, उन्होंने यही बात बोला था, फिर मुझे भी महसूस हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, फिर मैं भी अब यही एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में लिफ्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, भैया हमको छोड़ेंगे जहाँ तक छोड़ेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। तो बाहर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। भूटान का घाट, भूटान जाएंगे? आप भूटान जाओगे? अच्छा, तो जहाँ छोड़ोगे वहाँ से असम गुवाहाटी कितनी दूर पड़ेगा? वहाँ से आपको पड़ेगा 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर, चलो मतलब कि कल अगर आज हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कल तो फिर हो ही जाएगा। तो आप डायरेक्ट भूटान जाओगे?
आज तो नहीं जाएगा, कल नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, हमने भी सोचा था दार्जिलिंग से सिक्किम, सिक्किम से जाएंगे भूटान, लेकिन कुछ मेरा प्लान चेंज हो गया, फिर मैं भूटान नहीं जाऊंगा ना सिक्किम जाऊंगा, सीधा जाऊंगा अपने उधर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आप लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे, फिर आगे मिलते हैं, देखते हैं, जो अपडेट होगा आप लोगों को देते रहेंगे। ठीक है, जब तक मैं थोड़ा आराम करता हूँ। बंद कर दे। तो भाई साहब अभी हम पियेंगे चाय। तो भैया जी पार्किंग कर रहे हैं और उतर गए हैं, फिर भी जहाँ से हमको उतारेंगे वहाँ से रहेगा 300 किलोमीटर अपना गुवाहाटी। तो ये अपना ढाबा है, चाय मिलेगा, चाय चाय टी। इधर पूरा ज़्यादा मौसम लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है पानी बरसेगा, और इधर पूरा खुला हुआ है। पहली बार पानी के लिए कोई मना किया है? पहली बार कोई पानी के लिए मना किया है? तो यार भैया जी नाराज हो गए यार, क्योंकि पानी के लिए मना कर दिया यार, इसलिए बुरा लग गया। तो हे गाइस, अभी हम लोगों को आ गया है टी, पियेंगे फिर चलेंगे भाई साहब। टी सर जी का है और ये हमारा है, वो लेने गए बिस्किट। और ये क्या चीज है, पाव है क्या, उसको क्या बोलते हैं? हाथ में रखे ना ऐसा। तो यार भैया जी ने दो दो चाय पिलाया यार, तो चाय पी के अभी हम चल रहे हैं फिर से। तो अभी गुवाहाटी यहाँ से 350 किलोमीटर है, और जहाँ पे हमको छोड़ेंगे बोल तो रहे हैं कि 300 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, देखते हैं फिर वहीं पे जाके टेंट भी लगाएंगे, क्योंकि शाम भी हो रहा है, और फिर कल 300 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे।